इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उसकी 12 साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाला युवक अगवा करके ले गया, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही और ना ही बच्ची को अभी तक तलाशा गया है। महिला अपने हाथ में शिवराज मामा के लिए एक पोस्टर लिखा कर पहुंची थी, इस पर लिखा था मामा गायब तो बच्ची भी गायब। दरअसल कंपू थाना इलाके में रहने वाली महिला सीमा कुशवाहा का आरोप है कि उसके पास में ही रहने वाली योगेश कुशवाहा नाम का युवक उसकी 12 वर्षीय बच्ची को अगवा करके ले गया। घटना के बाद से कई बार उसने कंपू थाना पुलिस से बच्ची को तलाश की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस द्वारा उसे थाने से धुतकार कर लौटा दिया जाता है। ऐसे में परेशान होकर महिला एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची और यहां पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो महिला और बच्चियों के साथ कोई भी घटना होने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती थी, लेकिन अब शिवराज मामा नहीं है तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही। महिला की फरियाद पर यहां एसपी ऑफिस में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे मामले की जांच कर मदद का आश्वासन दिया है। हमारी लड़की 12 साल की है और फिर ये कुछ कर लड़का भगा के ले गया है। वाली जाती हूँ, बहुत देर बेर जाती हूँ, देर बेर भगा देते हैं कि आपका नेचर तो ऐसा ही है, गंदा भगाते फाड़ फूट के फेंक देती, थक कर जाओ तुम तो, तुम्हारा तो ऐसा ही है, भग जाती है, फिर देर बेर ले आते हैं, भग जाती है तुम्हारी लड़की। पर हमारी लड़की ऐसी है नहीं, अभी 12 साल की लड़की क्या जानती है कुछ भी नहीं। पाँच चारवीं में पढ़ाई है, पेपर पाँचवीं के हैंगे, पेपर नहीं दे पा रही है वो। कौन कहता आपको? वो पुलिस वाले कहते हैं, कंपू थाने वाले बोलते हैं कि आपको ऐसी ही हो, हमारी लड़की भी ऐसी ही है, पर हमारे तो माल खराब है, माल लावे दो तीन लड़की चली गई तो वे सोचती है ऐसी ही ये भी है। बाबा गार्डन के खुशबा मोहल्ला, 12 तारीख की चारवी की है, पाँचवी के पेपर दे थे तो अब दे नहीं पा रही। योगेश कुशवाहा का लड़का लेके पास गया, योगेश कुशवाहा इसका मतलब ये है कि वो चले गए हैं तो आपको इसके यही आरोप आएगा कि लड़कियों को कोई देख रेख नहीं है। आज आप बैनर भी लेके आए हैं, क्या करें, तो बहुत दिन हो गए हैं। आज आप बैनर लेके आए हैं, क्या लिखा जी? मामा गया तो लड़की को भी लेके आए, वो लड़का ही तो देख रहे, वे होते तो जल्दी सुनवाई होती और क्या होता। आपको लगता है मामा चले गए तो भाजी असुरक्षित है? वो तो और क्या है, देख रेख ही नहीं आ गई, जाते हैं कोतवाली वाले भगा देते हैं। बिन से कहते हैं कि तो बुलवाए, मामा तो अपील करना चाहते हैं। हाँ बोलती है, मेरी लड़की जल्दी से जल्दी ले आइए आप। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।